हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो कि हर गार्डनर के लिए, और ये जो इंसेक्ट है, फंगस अटैक करता है, ये हर गार्डनर के लिए एक साधारण समस्या है और ये सारे गार्डनर को दिक्कत देता है। सारे पौधे में जब अटैक हो जाता है, इसमें बहुत सारे आप जितने भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज करते रहेंगे, ये कुछ भी काम नहीं देने वाला है दोस्तों। उसी के ऊपर मैं एक वीडियो आज शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वो है हमारा ये मेलीबग्स है। तो दोस्तों, आज मैं इसको पूरी तरीके से आपको ख़त्म कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट कैसे फ्री में पूरी तरीके से आपके घरेलू उपचार में ही आपका ये ख़त्म हो पाए, उसी के ऊपर ये दोस्तों वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिए, स्किप मत कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों देखिए, यह हमारा कितना हेल्दी प्लांट है, बट ये जो मेलीबग्स के अटैक से एक ही ब्रांच में अभी तक हुआ है। बट ये जो मेलीबग्स होते हैं, इसको अगर आप, ये जो चींटियां भी इसके ऊपर लगते हैं, ये जो चींटियां इसके अंडे सारे लेकर सारे ब्रांच में अफेक्ट कर देते हैं, तो आपका जो पौधे का न्यूट्रिशन ऊपर तक नहीं जा पाता है। तो आपका जो ये देखिए, यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, इसीलिए ये पत्ता येलो पड़ जा रहा है और कर्ल भी हो जा रहा है, और इसमें जो भी हमारा बर्ड्स निकलेगा वो सारा अनहेल्दी और वो पूरी तरीके से येलो कलर है। आप अगर इतना ही अगर हुआ है, आप इसको काट के हटा सकते हैं। अगर आप इसको काट के नहीं हटाते हैं तो ये सैक्रिफाइस अगर नहीं करते हैं, और एक दूसरा टिप से आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो चींटियाँ लगते हैं, ये इनका इनके बंस बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होते हैं। इनका जो अंडा होता है, ये चारों तरफ चींटियाँ ही लेकर फैलाते हैं। सिर्फ पानी लेना है और एक स्प्रेयर बोतल में डालना है, जो कि बहुत ही हाईली प्रेशरेबल स्प्रेयर होना चाहिए। इस पूरा बहुत ही प्रेशर से इसको देखिए, ये कैसे हट जा रहा है, सारे ये हट जा रहे हैं। ये देखिए, आपका ये पूरा प्रेशर से कर देने से पूरी तरीके से हट जाएगा। बट ये तो आपका हट गया, ये नीचे सारे गिर गए। बट इसको देखिए दोस्तों, मैं इसको पूरी तरीके से पूरा बहुत ही हाईली प्रेशर करके इसको हटा दिया हूँ। बट ये जहाँ पर भी हमारे गिर गए हैं, पौधे के ऊपर नीचे गिर गए हैं, ये अभी तक डैमेज नहीं हुए, मतलब ये फंगस अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। तो इसको फिर ऊपर लाने के लिए चींटी आराम से ला देंगे और फिर से अफेक्टेड हो जाएंगे। उसको उनको पूरी तरीके से हटाना, मतलब उसको पूरी तरीके से फिनिश करना अत्यंत आवश्यक है आपके पौधे के लिए। अगर आपका पौधे को पूरी तरीके से हेल्दी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो उसका कोटेड है, उसका ऊपर जो एक वैक्स लेयर होता है, वो वैक्स लेयर के वजह से ही आपका जितना भी धूप हो से वो बच जाते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ये सारे देखिए, इनके ऊपर एक लेयर होता है वैक्स लेयर। देखिए चींटी कितने मात्रा में इनको इसमें लगे हैं। ये जो वैक्स लेयर हमारे समर से, धूप से इनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये यही वैक्स लेयर को ही आपको हटा के इनको मारना है। तो दोस्तों चलिए, मैं बताता हूँ आपको थर्ड स्टेप, उससे पूरी तरीके से आपका ये दोस्तों, ये एक ऐसा चीज़ है, देखिए आपके घर में फ्री में उपलब्ध होने वाला चीज़ है दोस्तों। ये देखिए, मैं सिर्फ इतना ही पानी लेकर, जो हमारे घर में चावल होता है, तुरंत ही जो चावल हम निकालते हैं उसको कुछ भिगो के रखा हुआ था, सिर्फ आपको पानी में ही इसको भिगोना है। कुछ चावल जब आप निकालते हैं, उबाल कर निकालते हैं, कुछ चावल आपको ऐसे पानी में भिगो के रख देना है। लगभग आपको 4 से 5 दिन के लिए रख देना है। ये समर अभी सीजन चल रहा है, तो ये बहुत ही जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएंगे, धूप के गर्मी के वजह से बहुत ही जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएंगे, इसलिए 4-5 दिन तो आराम से काफ़ी है। 4-5 दिन रख देने से इसमें पूरा खट्टापन आएगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें एंजाइम फर्मेशन होंगे,
और इसमें इथाइल अल्कोहल नामक एक एंजाइम फॉर्मेशन हो गया, जो कि वो हमारे मेलीबग्स के लिए, हटाने के लिए, मारने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सहायक होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप इसको ऐसे ही करके रख देना है। मेरा ये चावल में 4 दिन हो गया भिगो के इसको रखा था, और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा खटासपन आ गया है। अभी मैं इसको अभी स्प्रेयर बोतल में भर देता हूँ। इसको आपको छान के रख, अच्छी तरीके से इसको वाटर में जो पानी को स्प्रेयर बोतल में भर देना है। दोस्तों ये जो चावल बच गया आपका, ये फेंकिए मत, ये और एक बार भी आपको सहायक करेगा। ये इसको और एक बार आप इसमें पानी मिला देने से और 4 दिन रख देने से ये भी अच्छी तरीके से आपका फर्मेंटेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो राइस वाटर को अच्छी तरीके से बोतल में भर दिया हूँ, इतना ही हमारा जो हुआ राइस वाटर का। और दोस्तों इसके साथ आपको मिलाना है कोई भी आपको शैम्पू, हैंड वॉश आप मिला सकते हैं, एक ही बूंद आपको मिलाना है और इसको अच्छे तरीके से मिला देना है। स्प्रे करते हैं कि यहाँ पर कितने मात्रा में हमारे मेलीबग्स अटैक हुए हैं, कि इसके कितने, इसके जो ऊपर में से आपका ये वैक्स लेयर निकलता है, ये देखिए, ये जो कीड़े का रंग है ऐसे कलर का, देखिए ये वाइट जो आपका उसके ऊपर से एक वैक्स लेयर निकल जाए तो तुरंत ही हमारा मेलीबग्स मर जाता है। देखिए ये सारे यहाँ से कितने आराम से हट गए, पूरी तरीके से प्रेशर देकर हटाना है दोस्तों। दोस्तों देखिए ये कितने लगे थे यहाँ पर, सारे समाप्त हो गए हैं। और दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, ये एक जो रह गया है इसके ऊपर का जो वैक्स लेयर होता है, देखिए वैक्स लेयर व्हाइट कलर का जो वैक्स लेयर होता है ये पूरी तरीके से हट गया है। तो ये जो अभी कोई भी गर्मी सहन नहीं कर पाएगा, ये तुरंत ही अभी मर जाएगा। इसी तरीके से आपको ये फार्मूला अप्लाई करके हटाना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मेलीबग्स हमारा कुछ ही समय के अंदर सारे ये मर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। ये अगर समाप्त हो गया, ये चिट्टी इसको ऊपर नहीं ला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये मेलीबग्स का हटाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।